एक बार जब आप जान जाते हैं कि आप क्या चाहते हैं, तो मैनिफेस्टेशन बहुत आसान और बहुत तेजी से होता है। आप इस प्रक्रिया में दूसरे चरण की ओर बढ़ते हैं, और वह यह है कि हम इसे अपनी कल्पना और कल्पना के माध्यम से करते हैं। यहाँ हेलन एक बार फिर इस पर बोल रही हैं, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हमारे पास सबसे पहले एक इच्छा होनी चाहिए, और जब हमारे पास यह इच्छा होती है और फिर हम जब प्रोजेक्ट करते हैं, तो फिर चीज़ें घटित होने लगती हैं, और ध्यान से चुनने के बाद हम इसे पाने की भावना में डूब जाते हैं, जब तक कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये पहले ही प्रकट हो चुका है। हेलन ने दुनिया भर में अपनी सफलताओं के रहस्य को साझा किया, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ और जो आपको मैनिफेस्ट करने में बहुत मदद कर सकता है। एक सरल प्रक्रिया जिसे उन्होंने यहाँ कल्पना कहा है, हेलन यह समझा रही है कि यदि आप एक विजेता बनना चाहते हैं, तो आप मेरे आदर्श वाक्य का बेहतर उपयोग कर सकते हैं, जो कि एक ट्रिक्स है। आइए इसे जरा गहराई से समझते हैं कि एक विजेता कैसे सोचता है कि इसे कैसे चुने। इस प्रक्रिया में पहला कदम बिल्कुल स्पष्ट है कि आपको वह चुनना होगा जो आप चाहते हैं। ठीक से इसे जानें, आप क्या चाहते हैं। सबसे अच्छे विवरण के लिए सभी विशेषताओं को तय करें, जैसे कि आप एक मेन्यू से भोजन का चयन कर रहे हैं। आप उन चीज़ों से शुरू कर सकते हैं जिन्हें आप संभव मानते हैं, और या ऐसी चीज़ें जो आपके दिमाग में उचित लगती हैं। हेलन अपनी प्रतियोगिता जीतने के लिए विजुलाइजेशन का उपयोग करती थी। उन्होंने प्रतियोगिता के बारे में कुछ नहीं सोचा कि चीज़ें कैसे होंगी, वह बस जानती थी कि वह पहले से ही जीत चुकी हैं। यह कुछ हद तक इस सूत्र के अनुमानित और अपेक्षित भागों को जोड़ता है। दूसरे शब्दों में, हमें केवल यह सीखना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं, जैसे कि यह पहले से ही हमारी वास्तविकता है और हम में से किसी के पास ऐसा करने की क्षमता है। इसलिए प्रक्रिया के अपेक्षित भाग में आपको गहराई से गोता लगाना होगा। लोगों में ये क्षमता है, लेकिन वे इसे पहचान नहीं पाते। आप इसे ऐसे समझें कि यदि आपने एक रेस्टोरेंट में भोजन का आदेश दिया है, तो आप उम्मीद करेंगे कि आपका भोजन आपके लिए जल्द आ जाएगा। यह पहले से ही आपका है और यह दिखाने जा रहा है कि यह तैयार होने की प्रक्रिया में है, और यह उसी प्रकार की अपेक्षा है जिसे हम लाते हैं। हेलन कहती हैं कि जब आप सबसे खराब के बजाय सबसे अच्छे की उम्मीद करते हैं, तो वह बेहतर हो जाता है। आत्मसंदेह से मुक्त होने के कारण आप अपना पूरा आत्म अपने प्रयास में लगा सकते हैं, और उस व्यक्ति के रास्ते में कुछ भी नहीं खड़ा हो सकता जो अपने पूरे आत्म को एक समस्या पर केंद्रित करता है। जब वह पूरी एकाग्रता के साथ उस स्टेट में प्रवेश करता है, आपके सभी शारीरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक बल को इन शक्तियों को ठीक से नियोजित करने के लिए लाया जाता है। आप जो हासिल करना चाहते हैं, उसमें आपके व्यक्तित्व का केंद्रीय सार यह है कि लोग जीवन की योग्यता की कमी के कारण नहीं, बल्कि दिल की कमी के कारण हार जाते हैं। वे पूरे दिल से सफल होने की उम्मीद नहीं करते हैं। उनका दिल पूरी तरह से पॉजिटिव नहीं हो पाता है। कहने का मतलब है कि वे खुद ही नहीं चाहते कि वो चीज़ उन्हें मिले। और आप इस विश्वास को भी कह सकते हैं, यदि अपेक्षा आप विश्वास प्रणाली के अनुरूप नहीं लगती हैं। मैं अक्सर पाती हूँ कि मेरे कई लोग विश्वास पर भरोसा करते हैं कि चीज़ें होंगी, आप काम करते रहें, और यह कुछ होने की उम्मीद करने के विचार को आसान बनाता है। हेलन इस बारे में बात करते हुए बताती हैं कि विचार कैसे प्रकट होते हैं। इसके लिए आपका चरित्र आपका भाग्य बन जाता है, और इस विशेष विधि में अंतिम चरण, जिसे हर कोई प्राप्त करना चाहता है, वह एकत्र हो जाता है। हेलन को एक सकारात्मक सोच के साथ यह कहते हुए उद्धृत किया गया है कि आउटलुक में कोई विफलता नहीं है, केवल परिणामों की देरी से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप भी उम्मीद करते हैं और विश्वास करते हैं कि आपने जो अनुमान लगाया है, वह पहले से ही आपका है, और ऐसा ही होना चाहिए कि जो आपने आदेश दिया है, वह पहले से ही रास्ते में है। यह जीत का विशेष फार्मूला है, जिसे हेलन ने अपनी पूरी शालीनता के साथ 5,000 से अधिक प्रतियोगिता में जीत हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया है। वह इस बात का एक अद्भुत उदाहरण बन गई है कि मानव के विचार और इरादे कितने शक्तिशाली हैं। जब यह प्रकट करने की बात आई कि वह इसमें क्या बनना चाहती हैं, भौतिक दुनिया में उनका मानना था कि एक बार जब वह इसे चुन लेंगी और इसमें आनंदित होंगी, तो सब कुछ उनके लिए व्यवस्थित रूप से सामने आ जाएगा। और हेलन ने हमेशा अपने जीवन में बार बार मैनिफेस्टेशन का जादू अनुभव किया है, और प्यार से अपने चमत्कारिक उदाहरण को दुनिया के साथ साझा किया है। उन्होंने बताया है कि आपको हमेशा ये याद रखना चाहिए कि चयनित अनुमान एकत्र किया जाता है, और वह गुप्त होता है, और यह एक शक्तिशाली तरीका है। इसके लिए
मेरा शब्द ले, क्योंकि यह मेरे लिए काम करता है और मैं कोई विशेष नहीं हूँ, लेकिन इस तरह मैंने वह सब कुछ जीता है जो मैं चाहती थी। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरा यहाँ तक साथ देने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। थैंक यू गाइज़।